अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र। आप कैसी? आप बैठे भाई, आपको देख के यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने तो बिल्कुल हमसे ताल्लुक ही खत्म कर लिया। हमने कहा ताल्लुक तोड़ा? ताल्लुक तो आसिम और फयाज भाई ने खत्म किया, वरना आप तो जानती हैं कि कमाल की जान तो फयाज भाई की दोस्ती ही है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। आसिम को इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था, क्या हुआ अगर आप लोगों ने कर्जे की बस आयमा का रिश्ता मांग लिया था? कमाल तो आसिम को बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार थे ताकि अयाज को छुड़ा सके, लेकिन आसिम उसने तो बदतमीजी की हद ही कर दी। ये भी नहीं सोचा कि कितना बड़ा एहसान है कमाल का उसके ऊपर। इतने बड़े फ्रॉड के केस से जान छुड़ाई है कमाल ने उसकी। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, ये बताएं क्या खाएंगे क्या पिएंगे? नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आई हूँ। बस अयाज का सुना तो बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आई अफसोस करने के लिए। बस दुआ करें कि अयाज साफ खैरियत के वापस आ जाए। लिजा ने बहुत बुरा जाल फेंका है उस पर, कल से वो पुलिस कस्टडी में, उसकी इंक्वायरी चल रही है और आप तो जानती हैं फिलहाल अयाज के पास कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें शकीला भाभी, कमाल अब भी रकम देने के लिए तैयार है। वो बहुत परेशान है कि आपके घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और वो किसी काम ही नहीं आ सक रहे। बस वो फैसल की जिद की वजह से मजबूर है। सलमा आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खैर मैं बात करती हूँ दोबारा फयाज से, शायद आसिम तो मान जाए लेकिन फयाज। अच्छा छोड़े इस बात को, मैं कुछ बनवाती हूँ चाय का। और आप कैसी हैं? ठीक है ना? अरे सलमा तुम्हारा बेटा तो बहुत भुला भाला है ना, तुम इन दोनों बहनों के चक्कर में कहाँ पड़ गई? बहुत चालाक हैं दोनों बहनें ये। क्या करूँ आपा, औलाद के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ फैसल की जिद की वजह से मजबूर होकर कर रही हूँ, वरना मैं खुद जानती हूँ आयमा के बारे में। तो भला भाई जिद के आगे कोई क्या कर सकता है? आसिम सुनिए, आसिम आप अयाज भाई को क्यों नहीं समझाते? लीजा उनकी बीवी है, उनकी जिम्मेदारी है, उसको लीजा के पास लंदन वापस चले जाना चाहिए। फयाज लीजा भी कॉल पे होगी ना, आप उसे कहिएगा कि अयाज का पीछा अब छोड़ दे। मैं अयाज को हरगिज भी नहीं जाने दूंगी वापस लंदन। फिर वही बहू से दुश्मन, अयाज वापस जाएगा? पापा अयाज वापस नहीं जाएगा, जैसे अम्मी चाह रही हैं वैसे ही होगा। कल को तुम्हारी माँ अगर तुम्हें कहे कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो तो छोड़ दोगे? अरे पापा रायमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कहाँ जा रहे हो तुम? पापा वो अयाज की हेयरिंग के लिए जा रहे हैं। आसिम फयाज जब आसिम जा रहा है तो आपको जाने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है आसिम को ही जाने दें। बाप मैं हूं, आसिम नहीं है। और आसिम को जाने की क्या जरूरत है? मैं भी वही कह रही थी। आसिम बेटा मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाना चाहिए अपने पापा के साथ, इन्हें सहारा रहेगा। जी बेहतर अम्मी, चलें पापा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रायमा एक बात तो बताओ, तुम ये क्यों चाहती थी कि आसिम साथ ना जाए? नहीं अम्मी मैं तो बस ऐसे ही, खैर अच्छा ही है ना दोनों साथ चले गए। मैं आती हूँ।
लड़की का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ। मक्कार लड़की। अरे ये क्या, ये छुरियां कांटे जो है ना, इनसे नहीं मुझसे खाया जाता, मैं तो हाथों से खाऊंगी ये चीज। सास ससुर देवरानी जिठानी तो सब कहाँ है, नाश्ता नहीं करेंगे? पता नहीं अम्मी, सुबह खटर पटर की आवाज आ रही थी नीचे वाले किचन से, हो सकता है रायमा ने दे दिया हो भाई। सबके सब खुद घर से। अरे क्या हुआ, फयाज से लड़ाई होगी? आपा देखिये, फयाज की एक ही जिद है कि अयाज लंदन वापस जाएगा अपनी बीवी के पास, और रायमा उनकी हाँ में हाँ मिलाए चली जा रही है। अरे तो ये कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा उन्हीं को फेवर करता है। नहीं, मैं अपने बेटे को वापस वहां नहीं जाने दूंगी। तो आंटी आप अयाज भाई की शादी करा देना। अरे सनिया बेटा, ये बात मुश्किल काम है, अयाज को कौन लड़की देगा? मेरा मतलब है कि सब जानते हैं कि वो तो शादीशुदा है। अरे हाँ ये तो है, अयाज भाई को पाकिस्तान में रिश्ता मिलना तो नामुमकिन है। वैसे भी जब लोगों को पता चलता है कि लड़का बाहर सेटल है तो उसको तो रिश्ता कोई देता ही नहीं है, लोग कानों को हाथ लगाते हैं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अयाज को लंदन वापस नहीं जाने दूंगी। आंटी आप परेशान ना हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, लीजिए आप चाय लीजिए। अरे सनिया तुम क्या अपनी आंटी के पीछे पड़ गई हो बेवकूफ लड़की। शकीला मेरी बहन, बताओ कुछ खाओगी, क्या लोगी मैं तुम्हें दूं? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। तुम्हें फयाज क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं फयाज? मेरा पंडा खत्म हो गया, एक और बनवा लेती। ये खा ले। अरे नहीं भाई तुम खा। अच्छा क्या तय हुआ? यही कि अयाज वापस जाएगा। मुझे तो ये अंदाजा हुआ है कि फयाज भाई की खुद नियत खराब है आयमा पर। शट अप, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फयाज की पूरी जिंदगी मेरे सामने है। कमाल वो जवानी और बचपन के दिन थे। आपी सुबह आपने जूस नहीं पिया ना, आए बैठे जूस पिए, ख्याल रखा करें अपना, पीला रंग हो रहा है आपका, पिए। क्या करूं एमा, आसिम का कुछ नहीं हो सकता, अगर उनकी अपनी अम्मी होती ना तो वो तो पैर भी धो धो के पीते। ये तो सादत किसी किसी को नसीब होती है ना एमा। अम्मी बजिद है, अयाज को कह रही है कि वो यहाँ सेटल हो जाए, वो अपनी बीवी को छोड़ दे, अपने बच्चे को छोड़ दे, यहाँ पे किसी और से शादी करके यहीं पे रह जाए। तुम बताओ कि ये नाइंसाफी नहीं है? नाइंसाफी तो है, लेकिन आप मत भूलें आपने प्रॉमिस किया है आसिम भाई से, आप कोई दखलंदाजी नहीं करेंगी घर में। जब उनको इंटरफेरेंस नहीं पसंद तो मत करें, वो बहुत मोहब्बत करते हैं अपने घर वालों से, आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंटरफेयर इसलिए करती हूँ कि मैं और मेरा बच्चा हम लोग रोड पे ना आ जाए। ना ना करें, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। तभी तो वो मुझे डॉक्टर के भी नहीं लेके गए। हाँ तो आपने ही तो कहा था कि मैं आयमा के साथ चली जाऊंगी। तुम क्यों इतनी चमची हो आसिम की? अच्छा चलिए छोड़े, जूस पिए ना। पूरा खत्म करना है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, हाथ उठो, जाओ 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 जल्दी जाओ। हद होती, इस घर में कोई तरीका है ना सलीका है? दाई बदतमीज लड़की है ये रायमा। क्या हुआ मामा? इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि अयाज यहाँ। अम्मी आसिम आ गया। आसिम, अयाज मेरा बच्चा,
कहाँ चला गया था? अम्मी, अब आ गया ना अयाज, अब कहीं नहीं जाना मैं छोड़ के। अच्छा, रोना तो बंद कर। बेटा, उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? पुलिस वाले मारते हैं। अरे अम्मी, मुझे क्यों मारने लगे वो, मैं कोई दहशतगर्द थोड़ी हूँ। अम्मी, सब कुछ ठीक हो गया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और अयाज और लीजा के दरमियान सेटलमेंट हो गई है। अच्छा, क्या तय हुआ? यही कि अयाज वापस जाएगा। अयाज? पापा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर आप? ये मेरा फैसला है। बेटा यार, मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए। आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ पता तो चले। अम्मी प्लीज, आप चुप कर जाएं, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। बेटा, मसला क्या है, कोई तो कुछ बता दो मुझे। अम्मी, आसिम तो फिर मेरा पता, लेकिन अबू तो मुझे बहुत समझते हैं, और वैसे भी मैं अभी लीजा के पास वापस नहीं जाना चाहता। दो तीन साल यहीं रहूंगा, उसके बाद कनाडा शिफ्ट करूंगा, आप मेरे साथ जाएंगे। इन सब की वजह से मैं आपकी ममता को तरसता रहूं। बेटा, हुआ क्या है, फैसला क्या हुआ है, ये तो बता दो। पता नहीं, वो पापा और आसिम ने जमानत के तौर पे कुछ जमा करवाया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लीजा से बात हुई तुम्हारी? मैं आज बदतमीज हो रहा था। क्या बात हुई तुम्हारी उससे? आप मुझे खाना खाने देंगी कि नहीं? हुआ क्या है यार, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। आप मेरे लिए परेशान हैं और मैं अपने लिए परेशान। पूरे दो दिन हो गए उन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठा के रखा, सुकून से खाना खा लूं, आराम कर लूं। आप जाइए अपने शौहर से पूछ लीजिए, अपने लाडले बेटे से। मैं कुछ दिन सो लूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, डोंट वरी, तुम खाना खाओ, हम बाद में आराम से बात करते हैं। अयाज को किन शराइत पे छोड़ा उन्होंने? नहीं अम्मी, आप तो जानती हैं, इस घर में सारी बातें खुल के बताई जाती, लेकिन हकीकत हमेशा छुपाई जाती। इधर पापा ने अयाज भाई को हुक्म दिया और वो ये जा वो जा। तो अयाज वापस क्यों नहीं जाना चाहता? वैसे भी यहाँ क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं। अरे, वहां जाएगा तो वो फरंगन छोड़ेगी क्या उसे? मैं जाऊंगी ना उसके साथ, देखती हूँ क्या करती है। अरे होश में रह लड़की, क्यों इतने ऊंचे ख्वाब देख रही है, क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई है? मैं कौन सा पूरी उम्र यहाँ रहना चाहती हूँ, बस यूरोप जाके सेटल हो जाऊंगी, उसके बाद देखना आप मेरी उड़ान। अरे उससे पहले ही मैं सोच रही हूँ कि तेरे पर काट दूँ, देख रही हूँ तेरे लिए मैं रिश्ता। देखिए देखिए, जरूर देखिए, लेकिन लड़का फॉरेन नेशनल हो, अमेरिका कनाडा यूरोप का, उसके अलावा तो आप सोचिएगा भी नहीं। अरे बीना, देख रही हो इस लड़की की सोच? अरे ठीक ही तो कह रही है, अब मुझे क्या सलाह मिला शिराज से शादी करके, सारी जिंदगी की गुलाम। अरे बेटा बस कुछ ना पूछ, शिराज तो है ही बेवकूफ, रातों रात सब कुछ समेट लेना चाहता है। अम्मी तो और क्या भाई, आसिम की तरह आहिस्ता आहिस्ता बाप की जेब जो है वो काटता रहता, तो आज ये हाल ना होते, नोटों में खेलता नोटों में।
अच्छा चलो बस भी करो ना मेरा बच्चा, क्या खाली चाय पिलाओगी माँ को? कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है मेरा, और वैसे भी मुझे लगता है कि भूख हड़ताल ही चलेगी अब। ये लो ये कप रखो वहां पे, तुम्हारी जो ऊंची उड़ान है ना। ये लीजिए। थैंक यू। उसको समझा दिया है कि वापस जाएगा वो? जी, अगर आप उसे जबरदस्ती भेजना चाहते हैं तो जरूर जाएगा, मानेगा आपकी बात, आपकी औलाद है, लेकिन मैं भी उसके साथ जाऊंगी। शकीला, माँ हूं मैं उसकी, अयाज को मजीद तन्हा नहीं छोड़ सकती। शकीला, खुद फैसला करो कि उसकी बीवी है वहां, उसके बच्चे की माँ। आपकी लीजा से बात हुई है? क्या हुई थी मेरी बात? वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो वहां आकर इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाए। अयाज वहां नहीं जाएगा। ओके, फाइन। वो नहीं जाएगा, वो उसे डिवोर्स लेगी और दूसरी शादी करेगी, और हमारे बच्चे वहां लंदन की सड़कों पर गिटार बजाकर भीख मांगे। इसमें लीजा का कसूर है, अयाज का नहीं। इन गोरियों में वफा कब होती? ओके, एक मिनट, ये वीडियो देख लो जो उसने मुझे भेजी। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, रहने दे। अब फैसला क्या हुआ? क्या फैसला होगा? तलाक की सूरत में वो एलिमनी क्लेम करे अपना और बच्चे का खर्चा। मगर अभी तो अयाज पेपर जमा करवा दिए अपने बिजनेस के। मैंने और आसिम ने एफिडेविट साइन किया, वो एक लड़की से नहीं, उसके बेशुमार अफेयर्स थे। उन लड़कियों ने लीजा के वकील को अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए और काबले एतराज तस्वीरें भी भेजी। बस कर दें फयाज, अब अपने जमीर से कहो कि फैसला करें, अयाज को अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहिए या नहीं? नहीं। शकीला, मां अपने समीर का खून कर सकती है, ममता का नहीं फयाज। बैठे हैं आराम से। ओह माय गॉड, क्या बात है डॉक्टर, आप मेरी रिपोर्ट्स देखकर इतनी परेशान क्यों हो गए? आपकी रिपोर्ट्स देखकर, आपका चेकअप करके तो मैं वाकई में परेशान हो गई हूँ। माय गॉड, देखिए मैं आपको फौरी तौर पर यहाँ एडमिट कर रही हूँ। इवन के अब यहाँ से बेड तक भी आप व्हील चेयर पे जाएंगे। नहीं डॉक्टर, एडमिट होना तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं अपने इन लॉज को इन्फॉर्म किए बगैर आपके पास आई हूँ, ऐसे एडमिट नहीं हो सकती, और अभी एडमिट होना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर मेरे घर में बहुत मसाइल चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हैं। तो क्या आप अपना बेबी नहीं चाहती? बच्चे किसको नहीं चाहिए होते डॉक्टर साहिबा, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप प्लीज़ मुझे समझाइए तो सही कम से कम। मिसेज आसिम, आपका एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आप प्लीज़ अभी मुझे घर जाने दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगी। ठीक है, ये आपकी फिर अपनी जिम्मेदारी होगी। आप यहाँ से जाते हुए अपने मेडिसिन लेके जाइएगा, मैंने काउंटर पे कह दिया है, और प्लीज़ अपना एड्रेस भी लिखवा दीजिएगा, मैं खुद हफ्ते में 2-3 बार आकर आपका चेकअप करूँगी। और रक्शे में मत जाइएगा, मैं हॉस्पिटल से कहकर गाड़ी का बंदोबस्त करवा देती हूँ, वो आपको आराम से ले जाएगी। अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरे साथ मेरी बहन आई है, हम मैनेज कर लेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट, free to walk away, the civilians of Manbij in northern Syria celebrate as so-called Islamic State is forced out of the town.
ये लीजिए, रख लीजिए। क्या है ये? आप ही के पैसे, रखिए। तुमने मेरे वॉलेट से निकाले? जी नहीं, रायमा ने भिजवाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि फयाज भाई और उनके घर वालों ने हमें बदनाम करने का बेड़ा उठा रखा है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो, सीधे सीधे बात कहो, क्या है? अरे वो मैंने भिजवाए थे उस नौकरानी को जो आयमा की देखभाल कर रही है। बेचारी यतीम लड़की है, लेकिन फयाज भाई और उनके घर वालों ने तो बेचारी को ट्रैप कर रखा है। तुम होश में तो हो सलमा? पूरे होशोहवास से मैं बात कर रही हूं। मुझे तो ये अंदाजा हुआ है कि फयाज भाई की खुद नियत खराब है आयमा पर। शट अप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फयाज की पूरी जिंदगी मेरे सामने है। कमाल वो जवानी और बचपन के दिन थे, बुढ़ापा नहीं था जो फयाज भाई जैसे लोगों के लिए नाकाबले बर्दाश्त हो जाता है, समझे आप? चुप हो जाओ सलमा। आप मुझे तो चुप करा देंगे, लेकिन कल बच्चे बच्चे की जबान पर यही कहानी होगी जो जमीला आपा की जबान पर थी। हर बात में मैं गलत होती हूँ। रखिए अपने पैसे आप। ला हौल वला कुव्वता। ये औरतें भी बस। तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। 3 लाख रुपए हसीन? आप परेशान ना हो, मैं दे दूंगा। अरे माफी चाहती हूँ। इतनी जल्दी भी किस बात की? आराम से देख के चलो। जी वो बस। अम्मी अब तो आप खुश है ना? आपका अयाज आपके पास है, मगर आसिम वो फयाज। पापा मान जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं अयाज से। देखा नहीं कि आज किसी मिन्नतें कर रहे थे लीजा की कि वो अयाज को माफ कर दे। गलती भी लीजा की और माफी भी अयाज मांगे। नहीं अम्मी, लीजा का कसूर नहीं है, अयाज इस जिंदगी को सीरियस नहीं लेता, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन पापा के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद लीजा ने हर्जाना खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मंथली मेंटेनेंस अलाउंस देना होगा। कितना होगा ये मंथली अलाउंस? तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। 3 लाख रुपए हसीन? आप परेशान ना हो, मैं दे दूंगा। अम्मी रोइएगा मत, लेकिन आप प्लीज अयाज को समझाइए कि वो वापस चला जाए। लीजा अयाज की साए में अपने बच्चे को परवान चढ़ाना चाहती हो, आखिर अयाज की औलाद हमारा खून है। अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अयाज के साथ ही चली जाऊं। अयाज यहाँ खुश है। ऐसा क्यों कह रही है? मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। मेरा बच्चा। कैसी तबीयत है? हाँ कमरे में आओ। अच्छा।
आसिम, मैंने हॉस्पिटल से आपको बार बार कॉल्स की, आपने मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं की। रहमा, तुम तो घर के हालात जानती हो। पापा चाहते हैं कि अयाज वापस चला जाए और अम्मी चाहती कि वो यहीं रहे। आसिम, एक बार मेरी रिपोर्ट्स तो देख लें आप। रहमा, ये मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी समझ में नहीं आती। रहमा, तुम्हें अम्मी से उनकी खैरियत पूछनी चाहिए थी, इस कदर परेशान है वो। आसिम, डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने पे बजित थी, मैं बड़ी मुश्किल से इजाजत लेकर आई हूँ उससे। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम दुआ करो कि हयाज वापस चला जाए और अपनी फैमिली बनाए, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। यहाँ की जिम्मेदारियां तो मैं निभा ही रहा हूं। आसिम, आप एक काम करें, आप अम्मी के पास जाइए। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अम्मी बहुत जज्बाती हैं, हम सब भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। तुम अपना ख्याल रखना और डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना, ओके? आसिम को मेरा जरा भी एहसास नहीं है। अरे माफी चाहती हूँ। इतनी जल्दी भी किस बात की, आराम से देख के चलो। जी वो बस अयाज, गलती आयमा की नहीं आपकी है। आप ही की आंखें बंद हैं अभी तक, शायद अभी तक आप नींद में। मेरा फोन। तुम जाओ यहां से। छोटी भाभी है वो आपकी, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए आपको। वैसे भी बहुत मासूम है वो। आखिरी बार मुझे याद है तो मुझे अयाज भाई कह के बुलाया करती थी। एकदम से अयाज? जी बोलती थी, लेकिन अब मेरा दिल कहता है मैं आपको अयाज भाई नहीं सिर्फ अयाज कह के पुकारूं। आपसे तुम तक का फासला तय कर लो। इतनी बेबाकी की वजह जान सकते हैं? नहीं, ये बेबाकी नहीं अयाज, इसे तुम मेरा खलूस कहो। तुम्हें हमदर्दी की जरूरत है और माफ करना, इस घर में तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, ना आंटी, ना अंकल, ना आसिम भाई, और सब इसरार कर रहे हैं कि आप लीजा को अपना लो, लेकिन तुम ये गलती नहीं करना। Really? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस वादे के साथ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सनिया बेटा, अम्मी शायद मुझे बुला रही हैं, मैं उन्हें रुखसत करके आती हूँ। और तुम भी कमरे से बाहर निकला करो, शायद तुम्हें चाय की तलब हो रही है ना। मैं अभी लेकर आती हूँ। अयाज, that's a good change.
खाने हैं या ले जाऊं, ये याद रखना कि तुम्हारी फरमाइश पर ही बनवाए हैं। तुमने तो ये बात करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। अपनी और अयाज की उम्र में फर्क देखा है तुमने? बेजोड़ रिश्ता। अभी भी पास आ जाओ वरना सारी जिंदगी पछताओगी। मैं बीना नहीं, सनिया हूँ बीना, और मैं नहीं पछताऊंगी। मैं एक घूटे से बन के नहीं रह सकती। तुम मुल्क से बाहर जाना चाहती? बाहर जाने के 10,000 और तरीके हैं। अयाज से शादी करना जरूरी नहीं है, वैसे भी उसका पासपोर्ट तो जब्त हुआ है। जब्त नहीं है, और अयाज लंदन जा सकता है अपनी बीवी के पास, और अगर मैं उसके साथ चली जाऊँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और मैं वैसे भी उसके बाद लंदन से आगे और आगे और बहुत आगे निकल जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जिस शख्स के मुस्तकबिल का अपना कोई तहफ्फुज़ नहीं है वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? और शिराज भाई का मुस्तकबिल क्या है? वो जाली मेडिसिन, और अब वो चांस भी गया। तुम जितनी हो ना उतनी राह करो, समझी? क्या हो गया शिराज भाई, आपको क्या गलत फहमी हुई है? मेरा मतलब वो नहीं था। जाली मेडिसिन का कारोबार बंद हो गया था, उसमें आप ही का नुकसान हुआ है ना, और जो भी उस कारोबार में मुनाफा होता था आपको भी हिस्सा मिलता था। अच्छा लीजिए समोसे खाइए आप, ये लो। ये जाली मेडिसिन वाली कहानी भी तुम्हीं ने उसको सुनाई होगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में तो कोई बात रहती नहीं। बस कर दे शिराज, आपके पास झूठे इल्जाम लगाने के अलावा और कोई काम नहीं। समोसे खाएं, ठंडे हो रहे हैं। अरे भाई बैठ जाए ना, पूरा घर ही अजाब है मेरे ऊपर। बैठो। थैंक यू भाभी, मैंने सोचा सभी से मुलाकात हो गई, आप रह गई हैं तो आपसे भी मिल लूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सोचा बाद में आती हूँ। तुम बताओ बड़े फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? बस अभी जेल काट के आ रहा हूँ। आसिम भी बहुत परेशान थे, लेकिन अयाज तुम्हें लीजा को वापस मना लेना चाहिए। अभी मेरे और लीजा के इख्तलाफ की वजह उसका लाइफस्टाइल, जो बेहुदा और बेहया किस्म का लाइफस्टाइल उसने अडाप्ट कर रखा है, वो मुझसे तो कम से कम हजम नहीं होता। क्या कहें भाभी, जिस सोसाइटी को वो बिलोंग करती है वहां पे इस किस्म की बातों का कोई जवाब भी नहीं। अरे आयमा आओ, इतनी डरी सहमी क्यों खड़ी हो, आ जाओ। नहीं वो आयमा, मैं अपने बिहेवियर की आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। एक्चुअली आजकल मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कब क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। I'm really sorry. नहीं नहीं, गलती मेरी ही थी, मुझे आप नहीं दिखे। I'm sorry. आप ये आपकी मेडिसिन? हाँ तो भाभी, मैं आपको बता रहा था कि मेरे और लीजा के इख्तलाफ की वजह उसका लाइफस्टाइल है, और उसके बावजूद लोग सिर्फ मुझे ही बुरा कहते हैं। लेकिन अयाज, अगर उस माहौल में तुम अपनी औलाद को छोड़ दोगे तो वो वहाँ के माहौल का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हें अपनी औलाद के लिए तो वहाँ पे जाना चाहिए। आई नो भाभी, आप ठीक कह रही, अगर अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए उसके लाइफस्टाइल को डाइजेस्ट करने के लिए, अपना जमीर मारने के लिए, अगर ऐसा कर पाया तो शायद वापस चला सके। अभी अयाज भाई की चाय। आयमा खुद दो, इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं आयमा, मैं अब इसी घर का फर्द हूँ, कोशिश करूंगा मेरे किसी बिहेवियर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो कुछ मैं कर चुका हूँ उसकी तो मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ। I'm sorry again. जी। लेकिन
अयाज, मैं ये सोच रही थी कि कब तक ऐसा चलेगा, ऐसी जिंदगी तो नहीं गुजर सकती। भाभी मैं तो सारी जिंदगी अकेला ही रहा, हमेशा प्यार को तरसा हूँ, लोगों को तरसा हूँ। इस घर के लोगों ने, इस फैमिली ने भी मेरी बहुत हक तलफी की है। अयाज मैं समझ सकती हूँ, तुम हमेशा एक इग्नोरेंट चाइल्ड रहे हो, लेकिन आखिर हो तो तुम हम सब के ना। पापा ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, जो कुछ भी किया मामा की वजह से, और कहने को तो मामा ने भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो टेक्निकली मैं अकेला था, अकेला हूं और शायद अकेला ही रहूंगा। भाभी एक रिश्ता था लीजा का मेरे साथ, उसने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की।